हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सो गाइस आज की हमारी क्लास में अगेन हम की इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करेंगे विद टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लेग्स यानी कि इंसेक्ट की लेग्स कितने टाइप्स की हैं और किस इंसेक्ट में कौन सी लेग्स पाई जाती हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाइए टाइप कीजिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ये ऐप डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करने के बाद इसमें लॉग इन कीजिए लॉग इन करने के बाद आपको एग्रीकल्चर सेक्शन को चूज करना है जैसे ही आपने एग्रीकल्चर सेक्शन को चूज किया एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट सब्जेक्ट वाइज पावर कैप्सूल आपको इसमें मिलते हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं सो गो अहेड एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ साथ ही साथ अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे टाइमली साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा भाई ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ज़्यादा आपको टाइमिंग याद ना करनी पड़े है ना जब हमारे फोन स्मार्ट हो ही गए हैं तो उनका सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए है ना लेट्स स्टार्ट द सेशन आज हमारी इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी की क्लास है जिसमें हम टाइप्स ऑफ लेग्स पढ़ेंगे यानी कि इंसेक्ट में कितने टाइप्स की लेग्स होती हैं किस इंसेक्ट में कैसी लेग्स पाई जाती हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो ये रहा हमारा भाई चलो पहले एग्रीकल्चर महापैक आ गया सॉरी ठीक है तो इसके बारे में बता देती हूँ राइट एग्रीकल्चर महापैक एक सब्सक्रिप्शन जैसा है जैसा आप अमेजन या फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एग्रीकल्चर महापैक का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर जो भी क्लासेस हो रही है एमएससी फाउंडेशन क्लासेज आई बी पी एस ए एफ ओर नाबार्ड यू पी ट्रिपल एस सी यूपी कैटेड एवरी थिंग है ना पंजाब ADO, सब की इसमें लाइव क्लासेज आपको मिलती है लाइव क्लास के साथ साथ इसमें आपको जो है इनकी चार e right? आठ है? है होते हैं ए फॉर एग्रीकल्चर जैसे ही वाई फोर फोर एट लगाएंगे आपके डबल वेलिडिटी परसेंट ऑफ एक्टिव हो जाता है यानी कि जो मैं प्राइस बता रही हूँ छे हजार तीन सौ निन्यानवे इसमें आपको दो साल के लिए पूरी लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है ई बुक्स का एक्सेस मिलता है सो गो अहेड एंड एनरोल इन एग्रीकल्चर मा बैंक ये रही इंसेक्ट की लेग्स नाउ ठीक है <coughs> जी शुभम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून इलान मस्क प्रणाम बिल्कुल स्वीकार है आपका है ना? तो चलिए पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं लेग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इंसेक्ट लेग का राइट right? तो बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो इसके फर्स्ट सेगमेंट है वो है हैक्सा पहली जो सेगमेंट है वो है कोकसा ठीक है, वो है कोकसा, ये वो सेगमेंट है जो इंसेक्ट की बॉडी से और इंसेक्ट की लेग को जोड़ने का काम करती है इसे कोक्सा कहते हैं ठीक है नाउ देर इज अ बहुत छोटी सी फ्रेगमेंट है ना इस फ्रेगमेंट का काम सिर्फ फीमर और कोक्सा को जोड़ने का है है ना इसको कहा जाता है ट्रोशेंटर दूसरी कौन सी हो गई ट्रोशेंटर तो कॉक्सा के बाद आती है ट्रोशेंटर और ट्रोशेंटर के बाद आती है फीमर दिस इज योर थर्ड सेगमेंट विच इज नॉन एज फीमर फीमर के बाद आती है आपकी टीबिया और टीबिया के बाद आती है आपकी टारसेस ठीक है तो ये पांच सेगमेंट आपको याद करनी है बाकी सब छोड़ सकते हैं ठीक है पांच सेगमेंट आपको याद करनी ही करनी है तो फीमर टीबिया अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट रहे होंगे अपने 10th, 12th में तो आपने नाम इजीली सुने भी हुए हैं है ना बिल्कुल शुभम अपनी लेग से कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं क्योंकि हमारी लेग्स के भी यही पार्ट्स होते हैं है ना फीमर टीबिया टार्सस एंड ऑल दीजिंग वेरी वेरी गुड आफ्टरनून दिशा गुड आफ्टरनून टी नसारे या नसरे आई डोंट नो हाउ टू प्रनाउंस इट चलिए सो आपकी ये जो पांच सेगमेंट है ये आपको याद होनी चाहिए पहली है को दूसरी है ट्रोशेंटर ट्रोचेंटर भी बोलते हैं काफी सारे लोग इसको उसके बाद आती है आपकी फीमर फिर आती है आपकी टीबिया फिर आती है आपकी टार्सस। ठीक है तो सी टी एफ टी एंड ओनली टी ठीक है CT, and only T. तो ये आपकी पांच सेगमेंट है इंसेक्ट के लेग की टार्सस के पहले प्री टार्सस होता है प्री का मतलब क्या होता है पहले है ना तो इसका हमने ज्यादा जहमत नहीं उठाई नया नाम निकालने की हमने इसका नाम प्री टार्सस रख दिया है जो टार्सस से अगली सेगमेंट होती है और उसके बाद इस प्री टार्स को थोड़ा सेफ गार्ड करने के लिए कह लीजिए यहाँ पर एक स्पॉन्ज टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको एरोलियम कहते हैं है ना तो इससे क्या होता है कोई भी चोट डायरेक्टली इसको नहीं लगती है और यहाँ पर इसके नाखून होते हैं जैसे बर्ड्स के होते हैं जिन्हें क्लॉ कहते हैं जिनसे ये पकड़ते हैं किसी चीज को है ना तो यहाँ पर इनके टार्सल क्लॉज प्रेजेंट होते हैं बट एज एड आपको ये याद रखनी है कोक्सा ट्रोशेंटर फीमर टीबिया एंड क्यों है सिलेबस में देखो भाई सिलेबस <laughs> में तो है पढ़ना भी पड़ेगा है ना आ, जो भी आपके आ, इस तरीके के जो एग्जाम होते हैं आईबीपीएसओ है क्रिप्को है, है है ना इनमें तो इन पोर्शन से कम आता है लेकिन एमएससी वाले पोर्शन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी और अगर आप एमएससी के लिए प्रिपेयर करें तो आपको इंसेक्ट मोरफोलॉजी बिल्कुल देख जानी पड़ेगी ठीक है चलो नेक्स्ट वट आर द टाइप्स ऑफ लेग्स लेग्स के टाइप्स क्या हैं राइट तो इनके बारे में ये सेगमेंट्स हैं इनके बारे में जो भी रिटर्न चीजें हैं भाई ये फर्स्ट सेगमेंट है ये सेकंड सेगमेंट है अच्छा एक और चीज है जो यहाँ पर आपको बतानी चाहिए वो है फीमर जो है आपकी लार्जेस्ट सेगमेंट है लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट सेगमेंट इज फीमर फीमर साइज में सबसे बड़ी है लार्जेस्ट है और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन भी जो है आपकी फीमर ही होती है एक्चुअली यहाँ पर बोन नहीं होगा यहाँ पर सेगमेंट ही काउंट होगा है ना और जो आपकी टीबिया है ये जनरली लॉन्गेस्ट सेगमेंट होती है यानी कि सबसे लंबी सेगमेंट टीबिया होती है बट लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो है फीमर होती है ठीक है जी शोभित जहन तो ये भी हमें याद रखना है साथ साथ और हमारे हाथ में ये वाली जो बोन्स होती न, होती है है ना ये टार्सस टार्सस तो वो आपके यहाँ पर क्लॉ में प्रेजेंट होती है टार्सस एंड टार्सस है ना तो इस तरीके से जो है इंसेक्ट का लेग जो है कंप्लीट होता है बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है लेकिन अब इंसेक्ट के लेग में ना काफी सारी मोडिफिकेशन होती हैं किसी में आपको लगेगा कि टीबिया लॉन्गेस्ट नहीं है थोड़ी छोटी है किसी में लगेगा कोक्सा बहुत वाइड है किसी में लगेगा कि प्री टार्सिस नहीं है तो बेसिकली जो मॉडिफिकेशंस होती हैं ये उनके काम पर होती हैं है ना कि वो काम कैसा कर रहे हैं जैसे कि जो नॉन वेज खाते हैं नॉट फॉर ह्यूमन्स फॉर एनिमल्स है ना जो बेसिकली uh, जो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स पर फ्लैश पर फीड करते हैं उनके कैनाइंस स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे कि डॉग्स हैं है ना कैट्स हैं शेर है लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं जो घास फूस खा रहे हैं जैसे बकरी है गाय भैंस है उनमें केनाइंस इस तरीके के नहीं होते कभी कभी भैंस के देखे इतना शार्प सा केनाइन साइड में हो नहीं देखा ना तो बेसिकली जो भी हमारी फूड हैबिट्स हमारी लाइफ हैबिट्स होती हैं उनमें चेंजेस आते हैं जैसे जैसे हम उनको यूज कर रहे हैं जैसे कि कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें बताया जा रहा था कि आजकल के जो बच्चे होते हैं ज्यादातर बच्चों में विजडम टीथ नहीं आता है है ना क्योंकि हम अपने जॉ का इस्तेमाल वैसे भी कम ही कर रहे हैं हम सारा प्रोसेस्ड फूड का खा रहे हैं जो कि ऑलरेडी काफी बना हुआ है प्रोसेस्ड है तो हमारे दांतों को जहमत होती ही नहीं है दांतों की जहमत नहीं हो रही है तो हमें एक एक्स्ट्रा टीथ की जरूरत तो बिल्कुल नहीं होती है तो विजडम टीथ आना बंद हो गया है जो हमारे वीकर होते हैं जितने भी इवोल्यूशन के साथ हम देखते हैं तो जो हमारे वीकर होते जा रहे हैं बिकॉज़ वी आर फीडिंग ऑन लोग फ्री बैठे होते थे चने खा रहे होते थे आजकल कोई नहीं खाता क्योंकि कि किसी के पास टाइम ही नहीं है तो इसकी वजह से ये इवोल्यूशन हो रहे हैं तो ऐसे इंसेक्ट की लेग का फंक्शन है जो ये फंक्शन करता है उसके बेसिस पर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन पाई जाती है, है ना? को हम यहां पर देखेंगे सो द फर्स्ट यहां पर आप देख रहे हैं करसोरियल लेग ठीक है करसोरियल लेग में आप देख रहे हैं आ, ये आपके फर्स्ट सेगमेंट है सेकेंड सेगमेंट है थर्ड सेगमेंट है एंड दिस फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट है ना तो सॉरी सेकेंड सेगमेंट यहाँ पर छोटी वाली होगी ये आपकी फीमर है ये आपकी टीबिया है और ये आपकी टारसस है ठीक है तो इस तरीके की आपकी करसोरियल लेग प्रेजेंट है आप देख रहे हैं टीबिया ऑफकोर्स लॉन्गेस्ट है इस फीमर से लंबी है लेकिन फीमर ज्यादा होती है ज़्यादा लार्ज होती है, है ना? तो अब जल्दी से क्योंकि बहुत सारे पुराने बच्चे को हम क्या, कहते है, को क्या कहा जाता है जल्दी से बताएं तब तक मैं एम्ब्यूलेट्री लेग्स बताती हूँ जो है एम्ब्यूलेट्री लेग्स में कोक्सा काफी वाइड होती है काफी वाइड होते ये फर्स्ट जो सेगमेंट है कोक्सा ये काफी वाइड है यहाँ पर देखिए छोटू सी है यहाँ पर कितनी वाइड है है ना तो एम्ब्यूलेटरी लेग्स में कोक्सा वाइड होती है इनको एम्ब्यूलेटरी लेग्स कहते हैं ठीक है भाई जल्दी शुभम और कोई है एम्ब्यूलेटरी लेग्स को कॉमनली क्या कहते हैं कर्सोरियल लेग्स को कॉमनली क्या कहते हैं नो दे आर नॉट प्रेजेंट इन ग्रास होपर्स ये ग्रास ओपर में प्रेजेंट नहीं होती ग्रास ओपर की आगे आएगी आई एक्सपेक्ट एन आंसर भाई एम एस की तैयारी कर रहे हैं अच्छा चलो वॉकिंग लेग्स है ना वॉकिंग लेग्स एंड रनिंग लेग्स वॉकिंग लेग्स एंड रनिंग लेग्स सो करसोरियल को जो है रनिंग लेग्स कहा जाता है करसोरियल आपकी क्या होती है रनिंग लेग्स होती है इनको हम कहते हैं रनिंग लेग्स जो भागने के काम आती हैं और जो एम्ब्यूलेटरी लेग्स हैं ये आपकी वॉकिंग लेग्स होती हैं देन ऑन एज वॉकिंग लेग्स ठीक है सो करसोरियल so, आपको किस में देखने को मिलती है करसोरियल आपको वास्प में देखने को मिलती है बीज में देखने को मिलती है है ना और एम्बुलेटरी लेग्स आपको कॉकरोच में देखने को मिलती है एम्बुलेटरी लेग्स आपको कॉकरोच में देखने को मिलती है कर्सोरियल इज रनिंग टाइप बिल्कुल सही है है ना तो ये आपकी जो है कर्सोरियल लेग्स को रनिंग कहते हैं कर्सोरियल लेग्स को रनिंग लेग्स कहते हैं क्योंकि रन कौन करता है कॉकरोच करता है मैं यही चेक करना चाह रही थी कि भाई देखो देखते हैं बच्चे सही करते हैं कि नहीं करते हैं ना भागना किसको है कॉकरोच को भागना है या फिर कर्सोरियल को भागना है दोनों तरीके के आंसर आ रहे हैं हमारे पास नहीं ग्रेसोरियल नहीं है शुभम है। देखो उल्टा याद करना है अब मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूं बिना और कंफ्यूज किए हुए जो कॉकरोच है उसको भागना होता है लेकिन उसकी जो लेग्स हैं, वो वॉकिंग टाइप ऑफ लेग्स होती हैं, है ना तो ये कंसेप्ट जो है उल्टा है इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा उल्टा कंसेप्ट है

ठीक है तो ऐसे आपको याद रखना है ठीक है तो ये आपकी वॉकिंग टाइप ऑफ लेग्स होती है एम्बुलटरी लेग्स और आपकी होती है, जो वास्प और बीज में पाई है। इसको याद रखना है चलो नेक्स्ट इज योर साल्टेटोरियल लेग्स साल्टेटोरियल लेग्स जंपिंग लेग्स है ना ये आपकी क्या होती है ये आपकी जंपिंग लेग्स होती है जंपिंग लेग्स ठीक है साल्टेटोरियल तो लेग्स को जम्पिंग लेग्स करता है ना दूसरी जगह पर तो साल्टेटोरियल लेग्स अब इसको हमें कैसे याद रखना है भाई मैं हमेशा सॉइल इरोजन का ही एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर सॉइल इरोजन आप सभी लोगों ने साइंस में सॉइल इरोजन पढ़ा होगा सॉइल साइंस में है ना सॉइल इरोजन में एक टाइप होता है साल्टेटो साल्टेशन साल्टेशन तो साल्टेशन में क्या होता है आपका जो एक पार्टिकल है वो दूसरी जगह पर उछल कर जाता है ग्राउंड पर क्रीप करके नहीं जाता है उसे सोल्टेशन कहते हैं तो जैसे पार्टिकल उछल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वैसे ग्रास हाउप पर उछल उछल के जा रहा है तो उसके टाइप ऑफ लेग्स जो यहां पर पाए जाते हैं वो साल्टेटोरियल लेग्स पाई जाती है ठीक है चेके? फिर आते हैं मॉल क्रिकेट पर मॉल क्रिकेट में ये जो आपको लेग्स दिखाई दे रही है है ना ये होती है आपकी डिगिंग टाइप ऑफ लेग्स देग्स डिगिंग लेग्स इनको हम फजोरियल लेग्स भी कहते हैं ठीक है फजोरियल लेग्स तो मॉल क्रिकेट जो है ये ग्राउंड में रहता है जो ग्राउंड में रहता है वो क्या करता है ग्राउंड को थोड़ा सा निकालेगा मिट्टी को निकालेगा उसमें अपना बिल बनाएगा फिर वहां पर रहेगा तो क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर रहता है इसको मिट्टी को खोदना पड़ता है तो इसके पास डिगिंग टाइप ऑफ लेग्स है है ना इसके पास हमारी तरह इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो अपने लेग से ही खोदता है तो इसके पास डिगिंग टाइप ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है जिन्हें फजोरियल लेग्स कहते हैं ये मॉल क्रिकेट या डंग रोलर में भी पाई जाती हैं जो कि मिट्टी को हटा करके और अंदर रहते हैं तो इन इंसेक्ट्स में जो है डिगिंग टाइप ऑफ लेग्स पाई जाती हैं अब डिगिंग टाइप ऑफ लेग कौन सी लेग की मॉडिफिकेशन होगी अफकोर्स फोर लेग्स की मॉडिफिकेशन होगी है ना फोर लेग्स की मॉडिफिकेशन क्यों होगी भाई डिगिंग आप हाथ से ही करेंगे ना तो इंसेक्ट के पास हाथ नहीं है तो वो अपने आगे वाली लेग्स का ही यूज करेगा डिगिंग के लिए पीछे वाली लेग से डिगिंग करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बेचारे को तो फोर लेग्स की मॉडिफिकेशन होती है ये लेग्स और डिगिंग लेग्स जो हमें मिलती है जी दामिनी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून राइट मूविंग अःड दिस इज योर raptorial लेग्स रेप्टोरियल लेग्स आपको प्रिइमेंट्स में देखने को मिलती है mantids. ठीक है इनमें रेप्टोरियल लेग्स मिलती है ये ग्रास्पिंग के लिए अच्छी होती है किसके लिए अच्छी होती है ग्रास्पिंग के लिए अच्छी होती है किसी चीज को पकड़ने के लिए अच्छी होती है बेसिकली है ना उसकी ग्रास्पिंग पावर बड़ी तेज है जल्दी पकड़ लेता है बातों को राइट right? तो इसमें भी जो है ग्रास्पिंग टाइप ऑफ लेग जो है ये आपकी रेप्टो रेप्टोरियल लेग्स के नाम से जानी जाती है जो कि प्रिंगमेंटेड में देखने को मिलती है इसमें आप ये देखेंगे कि कॉक्सा देखिए कितनी लंबी है इतनी लंबी कॉक्सा जनरली मिलती नहीं है बट ग्रासपिंग लेग में कॉक्सा काफी लंबी है देन दिस इज ट्रोशेंटा ये आपकी फीमर है और ये आपकी छोटी सी यहाँ पर टीबिया है तो टीबिया हम अक्सर लॉन्गेस्ट सेगमेंट पढ़ते हैं पर यहाँ देख रहे हैं कि टीबिया बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है छोटी सेगमेंट है ताकि इसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी बनी रहे ठीक है तो ग्रास्पिंग जो है, रेप्टोरियल लेग्स को कहते हैं और ये में, में आपको देखने को मिलती है नेक्स्ट जिस लेग की हम बात करेंगे वो है नाटार्टोरियल लेक्स। नाटार्टोरियल लेक्स आर लेक्स। लेक्स आर है ना? तो इनमें देखिए यहाँ पर टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट है जो कि एक नाव का जैसे चप्पू होता है ना इस तरीके से ये लास्ट सेगमेंट काम करती है और आगे से कितनी नैरो है ताकि पानी को इजीली काट पाए सरफेस एरिया कम रहे ठीक तो है तो इन्हें नाटाटोरियल लेग्स कहते हैं जो कि स्विमिंग लेग्स होती है स्विमिंग किसको करनी है जो वाटर बग्स होंगे वाटर बिटल्स होंगे यानी कि वाटर इंसेक्ट होंगे है ना तो वाटर बग्स एंड वाटर बिटल्स में ये नाटाटोरियल लेग्स प्रेजेंट होती वाटर बग्स एंड वाटर बिटल्स में आपकी नाटाटोरियल लेग्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज स्कैंसोरियल लेग्स स्कैंसोरियल स्कैन से आपको स्कैल्प याद रखना है ठीक है स्कैन से आपको स्कैल्प याद रखना है क्योंकि जो स्कैंसोरियल लेग्स हैं ये आपके हेड लाउस में पाई जाती है हेड लाउस जिसको हम लीक ढेरे कुछ भी कह देते हैं है ना बेसिकली दे आर हेड लाउस लाइस है ना uh, तो ये क्या करते हैं जैसे कि पेन अगर आपका हेयर स्ट्रेंड है तो ये बिल्कुल इस तरीके से पकड़ के रखते हैं टाइटली तभी तो उनको निकालने में इतना डिफिकल्टी होती है बिल्कुल टाइटली रखते हैं है ना तो इस टाइप के जो लेग्स होते हैं इनको स्कैंसोरियल लेग्स कहते हैं स्कैल्प से आपको हेडलाउस याद रहेगा राइट इसमें यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक ग्रूव बनता है इस ग्रूव में हमारे बालों को फंसा लेता है ठीक है तो ये जो है आपको आ, स्कैंसोरियल लेग मिलते हैं है ना देन यू हैव प्री हेन्साइल लेग ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई एंड डेम्पन फ्लाई में देखने को मिलता है ठीक है प्री हाइन लेग प्रॉपर आपकी जो है इसमें फीमर काफी लंबी होती है एज कंपेयर टू टीबिया है ना फीमर काफी लंबी है एज कंपेयर टू टीबिया कोक्सा नॉर्मल साइज का आपको देखने को मिलता है और ये ड्रैगन फ्लाई और डेम्सन फ्लाई में देखने को मिलती है प्रीहेंसाइल थोड़ा इंग्लिश नेम है है ना काफ़ी लाइक uh, like, वैसे सारे इंग्लिश हैं बट मतलब प्रीहेंसाइल इज अ लिटिल बिट सोफिस्टिकेटेड सा नाम तो ये ड्रैगन फ्लाई में पाया जाता है ठीक है तो इसी तरीके से मतलब इस थोड़ी सी रिजाम्बलेंस करके हम इस चीज़ों को याद रख सकते हैं ताकि हमें एग्जाम्पल्स लर्न रहे कि, कि किस टाइप की लेग किस इंसेक्ट में हमें देखने को मिलती है, है ना तो स्कैंसोरियर लेग हेडलाउस में देखने को मिलती है और प्रीहेंसाइल लेग आपको जो है ड्रैगन फ्लाई या जैम्सन फ्लाई में देखने को मिलती हैं राइट right? उसके बाद आती है हमारी हनी बी की लेग्स ये तीनों टाइप के जो मॉडिफिकेशन है ये हनी बी में देखने को मिलते हैं फर्स्ट इज एंटीनल क्लीनिंग लेग्स नाम से ही समझ आ रहा है एंटीना को क्लीन करने के लिए बनी है तो इन्हें एंटीनल क्लीनिंग लेग्स कहते हैं इसमें यहाँ पर आप कई ग्रूव देख रहे हैं और इसमें कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं तो जैसे कि ये मेरा एक मिनट ये मेरे हाथ का स्ट्रक्चर है ये वाला ये ग्रूव है उसकी लेग में इस तरीके से है ना और ये एंटीना है उसका तो इस ग्रूव में एंटीना को ऐसा फिक्स करता है और जैसे इस एंटीना को यूं हटाएंगे तो इसके ऊपर जो भी चिपका हुआ है वो हट जाएगा है ना तो ये एंटीनल क्लीनिंग लेग्स होती हैं एंटीनल क्लीनिंग लेग्स हमेशा 4 लेग्स की मॉडिफिकेशन होती है क्योंकि एंटीना आगे की तरफ होता है हेड की तरफ होता है। तो एंटीना से इजी इजी होगा, होगा मतलब फोर से होगा कि हम एंटीना को साफ कर पाए है ना तो ये फोर लेग्स की मॉडिफिकेशन होती है बाकी है आपकी पोलन कलेक्टिंग लेग्स पोलन कलेक्टिंग लेग्स में आपके पास यहां पर पोलन बास्केट्स प्रेजेंट प्रेजेंट होती है पोलिन बास्केट्स में अपने पोलेंस स्टोर करके ला सकते हैं जब ये बाहर जाती हैं बीज है ना तो वो जैसे कार्टून में दिखाते हैं ना बी एक छोटे से बकेट लेके जाती है और उसमें पोलिन भर के लाती है तो सच में इनके पास कोई बकेट तो नहीं है जिसमें पोलन भर के ला सके लेकिन इनकी लेग्स में पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें पॉलन्स भर सकती हैं ठीक है जिके? तो इनमें पोलिन बास्केट्स इनकी लेग्स में प्रेजेंट होती है जिनमें पॉलन भर के लेके आ सकती है और हाइव में अपना जो भी इनको प्रोडक्ट बनाना हो उससे वो बना सकती है ठीक है तो इनमें पोलन कलेक्टिंग लेग्स और इसी तरीके से वैक्स कलेक्टिंग लेग्स भी होती हैं ये दोनों वैक्स कलेक्टिंग लेग और पोलन कलेक्टिंग लेग आपकी मिड लेग और हिंड लेग की मॉडिफिकेशंस होती हैं यानी कि पीछे की लेग्स की मॉडिफिकेशंस होती हैं है ना तो वैक्स कलेक्टिंग जो होती है वो आपकी मिड लेग होती है और ये पोलन कलेक्टिंग जो है आपकी हिंड लेग की मॉडिफिकेशन होती है यानी कि पीछे की लेग में ये पोलन बास्केट प्रेजेंट होता है जिसमें बीज अपने लिए पॉलेंस भर-भर के लेकर आती हैं ठीक है चीके? तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग्स हैं जो इंसेक्ट में प्रेजेंट होती हैं विद देयर एग्जांपल आपको ये एग्जांपल्स जरूर याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप ऑफ लेग में कौन से इंसेक्ट एज एन एग्जांपल आते हैं यानी कि किस इंसेक्ट में वो प्रेजेंट होती है राइट right? सो so, इसी के साथ हमारी टाइप्स ऑफ लेग तो फिनिश होती है दो चार क्वेश्चन इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से फर्स्ट इज रनिंग टाइप ऑफ लेग्स आर आल्सो नोन एज रनिंग टाइप ऑफ लेग्स कौन सी होती हैं करसोरियल होती, होती है एंबुलेटरी होती है रेप्टोरियल होती है या नैटटोरियल होती है रनिंग टाइप ऑफ लेग्स आर आल्सो नोन एज जल्दी से बताएं जल्दी बताएं भाई एम्ब्यूलेटरी यस ठीक है तो रनिंग टाइप ऑफ लेग्स कौन सी होती है एम्ब्यूलेटरी लेग्स आई एम सॉरी करसोरियल यहां पर मैंने भी एम्बुलेटरी लिखा हुआ है ए करसोरियल लेग्स करसोरियल लेग्स आर योर रनिंग टाइप ऑफ लेग्स ठीक है

ड्रैगन फ्लाई है ना अभी हमने पढ़ा है सी विल बी द राइट आंसर पॉलन कलेक्टिंग लेग आर मॉडिफिकेशन ऑफ बच्चे आई गेस क्रिप्टो का जो एग्जाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट ठीक है क्योंकि मैंने भी इसके दोनों तरीके की जो है वो देखे हैं कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा कुछ लोग कह रहे हैं ओनली इंग्लिश में होगा बट जैसे कि मतलब मुझे लग रहा है जो मुझे याद है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्जाम होता है ठीक है पॉलन कलेक्टिंग लेग्स कौन सी है पॉलन कलेक्टिंग लेग्स विल बी योर हिंड लेग्स बी जंपिंग लेग्स आर ऑल्सो नोन एज जंपिंग लेग्स कौन सी होती है जंपिंग लेग्स आपकी सोल्टेटोरियल लेग्स होती है डी राइट सोल्टेटोरियल लेग्स आर फाउंड इन सोल्टेटोरियल लेग्स जंपिंग लेग्स होती है तो ये ग्रास ओपर में मिलती है जंप करने के काम आती है स्विमिंग लेग्स आर प्रेजेंट इन वाटर बेटल्स ने जो पानी में रहेगा उसे स्विमिंग की जरूरत होगी रेप्टोरियल लेग्स आर फाउंड इन प्रेगनेटेड ए स्ट्रॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द लेग इज फीमर ए राइट सो so इसी के साथ यहां पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए सॉरी थोड़ा फास्ट फास्ट चले क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, है ना सो दिस इज योर एमएससी एग्रीकल्चर बैच ये आपका एम एस सी एग्रीकल्चर बैच है जो कि uh, इसकी फीस जो है टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी नाइन है विद एट्टी परसेंट ऑफ जनरली आपको ये टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी नाइन पर मिलता है जब एट्टी परसेंट ऑफ ऑफ हो जाता है ठीक है सो वाई फोर फोर एट ए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं टू एनरोल इन दिस बैच इस बैच में एनरोल करने के लिए राइट right? चलिए और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा राइट एंड अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो गूगल खोलिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन टाइप कीजिए और इस तरीके से आपको अपनी साइट मिलेगी यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाइए एग्रीकल्चर को चुनिए जैसे ही एग्रीकल्चर को चुनते हैं बहुत सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पर आपको अपना मतलब का जो भी ऑप्शन होगा वो चूज करना है जैसे कि एमएससी एंट्रेंस है ना एमएससी एंट्रेंस को आप चूज करेंगे तो यहाँ पर एमएससी एंट्रेंस का बैच आपका ओपन हो जाएगा उसके बारे में सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आपको अपने लिए सही लगे तो आप उस पर जो है देखिए ऐसा भी हो जाता है कभी कभी ठीक है तो घबराने वाली बात नहीं है इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा बाकी अभी आकाश सर की क्लास है तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे उनको बुलाते हैं और अब आप उनकी क्लास अटेंड कीजिएगा ओके गुड बाय टेक केयर अपना ध्यान रखिएगा एंड टू एनरोल इन द बैच यूज़ द कोड वाई फोर फोर एट ए साथ ही साथ आपके एग्रीकल्चर महापैक पर एट्टी परसेंट ऑफ के साथ डबल वैलिडिटी है यू कैन अगेन यूज द सेम कोड टू एक्टिवेट यू डबल वैलिडिटी गुड बाय एंड थैंक यू सो मच आ जाओ सर